देखो, लोको पायलट की सैलरी की अगर बात होती है तो इसमें सैलरी के बारे में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्या लिखा है वो देखिए। स्केल ऑफ पे की बात करते हैं ये लोग, 7th पे के हिसाब से 19,900 प्लस अलाउंस। अलाउंस के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो 19,900 लिखा है यही सैलरी मिलेगी क्या? ये आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको इसके साथ साथ में क्या मिलेगा वो समझते हैं। देखो, लोको पायलट की सैलरी ज़्यादा क्यों होती है पहले वो जानूं। लोको पायलट को सैलरी ज़्यादा इस वजह से मिलती है क्योंकि इनको दो तरीके का पैसा मिलता है, एक तो मंथली बेसिस पर मिलता है, दूसरा जो साल के अंत में मिलता है। तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि मंथली वाला पहले डिस्कस करते हैं, ये वाला तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो, मंथली आपको क्या मिलेगा? बेसिक मिलेगा, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस मिलता है, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस जिसको घर वगैरह मिलता है उसको मिलेगा पैसा, ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, नाइट में अगर आप ड्यूटी करेंगे उसका पैसा मिलेगा, और जितने किलोमीटर आप ट्रेन चलाएंगे उसका पैसा मिलेगा। और अगर मान लीजिए किसी महीने में होली दीपावली या कोई त्यौहार पड़ता है, फेस्टिवल पड़ता है, और उस दिन आप ड्यूटी करने जाते हैं तो उसका भी पैसा मिलता है। मतलब ये जॉब हेक्टिक शेड्यूल पे है, ठीक है, जॉब बहुत डिफिकल्ट है, और जितना मेहनत आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा भी दे रही है भारत सरकार। देखो, जितनी भी जॉब्स होती हैं जैसे बैंक हो गया, रेलवेज हो गया, जहाँ पर पब्लिक डीलिंग का काम होता है वहाँ पर काम शेड्यूल बड़ा ही हेक्टिक होता है। जैसे बैंक में भी आपका बड़ा हेक्टिक जॉब होता है। तो यहाँ पर आप डिस्कस कर लेते हैं। देखो, महीने में बेसिक जो हमें मिलेगा 19,900 रुपये मिलेगा। डियरनेस अलाउंस वैसे तो 5% होता है, लेकिन रेलवे लोको पायलट के केस में क्योंकि उसे फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, फिजिकल प्लस मेंटल, क्योंकि ट्रेन चलाना आसान काम नहीं है, आपको फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ता है और मेंटली भी अलर्ट रहना पड़ता है, तो ये 5% से ज़्यादा ही अलाउंस आपको मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस आपको 2,000 से 6,300 के बीच में मिलेगा। जैसे कि आप अगर दिल्ली जैसे शहरों में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको हाउस रेंट कुछ ज़्यादा मिलेगा, और अगर आप किसी और सिटी में पोस्टेड होते हैं तो शुरुआत में आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। ये डिपेंड करता है लोकेशन पर। उसके बाद में ट्रेवल अलाउंस आपको मिलेगा 800 से 990, 950 रुपये के आसपास में। नाइट में आप ड्यूटी करेंगे तो लगभग 1,000 रुपये उसका मिलेगा आपको। और किलोमीटर की बात करें कि कितने किलोमीटर आप ट्रेन चलाते हैं तो वो आपको 1.81 पर किलोमीटर के हिसाब से आपको रेट मिलेगा, और हॉलीडेज अगर पड़ता है उस महीने में तो उसका पैसा मिलेगा। तो पूरा पैसा जोड़ लेते हैं हम लोग कि कितना पैसा मिलेगा। देखिए, इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि अभी ALP हैं और उनको 2 साल हो गए हैं और वो न्यू दिल्ली एरिया में पोस्टेड हैं, तो उनको इस समय इन 38,000 के आसपास सैलरी मिलती है 2 साल बाद। तो 2 साल तक की ज्वाइनिंग 2014 वाले में उनका हुआ था, और इस समय ना 16 दो 4 साल उनको होने को बाद लगभग 38,000 सैलरी उनके इन हाथ में इन हैंड आता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि बेसिक तो हमारी भाई 19,900, यहाँ पर गलत लिख गया, यहाँ पे 990 होगा। डियरनेस अलाउंस अगर जोड़ें तो 5% से ज़्यादा जोड़ेंगे तो लगभग 1,200 रुपये मान लेते हैं। एचआरए ना तो हम कम वाला मानेंगे ना तो ज़्यादा वाला, 3,500 रुपये एचआरए मान लेते हैं। ट्रेवल अलाउंस हम लगभग 800 मान लेते हैं, नाइट ड्यूटी का हम लगभग 900 मान लेते हैं, और कितने किलोमीटर के हिसाब से जितना हमारा बनेगा लगभग 4,000 रुपये हमारा ट्रेन चलाने का हो जाएगा, और हॉलीडेज का 1,000 रुपये जोड़ें। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकल सकते, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये लगभग 31 या 32 हज़ार आपका पड़ेगा शुरुआत में, और इसमें कुछ पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा जो आपका PF वगैरह में या और भी जो पैसा डिडक्ट होता है वो सारा डिडक्ट हो जाएगा। तो ये मान के चलिए जब आप ज्वाइन करेंगे तो लगभग आपको 28,000 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी, ठीक है। तो असिस्टेंट लोको पायलट को शुरुआत में 28,000 सैलरी मिलेगी, और 2-3-4 साल बाद लगभग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट 38,000 उसका 2014 वाले में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, अब बात कर लेते हैं जो ये हम लोगों ने बोला था ईयरली बेसिस पर हमें क्या मिलता है। ईयरली बेसिस की बात की जाए तो देखो, हमें बोनस मिलेगा लगभग 18,000 रुपये, 20,000 रुपये बोनस मिलेगा। जो हम ड्रेस पहनते हैं ड्रेस के लिए हम लोगों को 5,000 रुपये सालाना मिलेगा। चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए हमें 2,000-3,000 रुपये तक मिल जाता है मैक्सिमम, 2 चिल्ड्रंस के लिए इतना हम लोगों को सब बोनस या सारा पैसा मिलेगा।
कुल मिला के देखा जाए कि जो आपके साथ में जो और भी रेलवे में भर्तियां हुई होंगी लोको पायलट के अलावा और भी पोस्ट पर, जो आपके सेम पोस्ट पर जो लोग होंगे अलग डिपार्टमेंट में, उनसे आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। रीज़न उसका सबसे बड़ा ये है कि आपको ये जो किलोमीटर अलाउंस मिल रहा है ट्रेन चलाने का, इससे आपका पैसा इंक्रीज़ हो जा रहा है। जितने किलोमीटर आप ट्रेन चलाएंगे उतना पैसा मिलेगा। इस प्रकार से किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा तो हम रेगुलर ट्रेन पर चलेंगे, मतलब आप यहाँ जैसे दिल्ली से आपने शुरू किया कलकत्ता तक ट्रेन पर चलेंगे, उसके बाद में वहाँ पे वहाँ से फिर वापस आएंगे और आने के बाद में फिर गुवाहाटी निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको शुरुआत में एक लिमिटेड किलोमीटर्स में ही ट्रेन चलाने को मिलेगी, लिमिटेड किलोमीटर होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कितने भी किलोमीटर चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको जैसे मान लो दिल्ली से लखनऊ दे दिया 500-600 किलोमीटर की रेंज में दे दिया 2 दिन में, और जब आप, सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब आप ट्रेन लेकर जाएंगे, मान लीजिए 2 दिन से आप लगातार ट्रेन में थे, उसके बाद में आपको रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। और ये रेस्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में पोस्टिंग हुई और लखनऊ आप पहुँचते हैं ट्रेन लेकर, तो लखनऊ में ही रेलवे भवन में ही लोको पायलट्स के रुकने के लिए बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस होता है। वो व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा शानदार लेवल की होती है, मतलब उसको आप देखने पर आप अपने सारे दुख भूल जाएंगे, क्योंकि ट्रेन चलाना एक फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक कर देगा आपको। तो गेस्ट हाउस पे आपकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहेगी सारी, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप खुद तारीफ करेंगे। तो 2 दिन ट्रेन चलाने के बाद में आपको कुछ घंटों का, 12 या 14 घंटे का आपको रेस्ट दिया जाता है, उसके बाद में फिर से आप ऑन ड्यूटी पर हो जाते हो, ठीक है। तो ये मिलाकर, कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं। आप जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि आपको जितने ज़्यादा ट्रेन चलाओगे उतना पैसा मिलेगा, 1 महीने में आप 4 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा बना सकते हो, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि शुरुआत में आपको लिमिटेड नंबर ऑफ किलोमीटर्स पे पैसा दिया जाएगा, थोड़ा ही आपसे चलवाया जाएगा। उसके बाद में अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। वो मैं सारा दूसरे वीडियो में कंपेयर करके बताऊंगा कि आप प्रमोट होके क्या क्या बन सकते हो और कितनी कितनी आपकी सैलरी हो सकती है। तो दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट हम अच्छे से तैयारी कर सकें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, सो दैट वहाँ पर मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँ तो आप तक पहुँच पाए बहुत ही आसानी से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।